नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में टोटान की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है टोटान और तूफान की देवी। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। पृथ्वी से बहुत दूर गहन अंतरिक्ष में स्थित है ओनाडा ग्रह। पृथ्वी से बहुत छोटा लेकिन बहुत उन्नत, यहाँ का विज्ञान पृथ्वी से बहुत आगे है। और मैं हूँ ओनाडा सम्राज्ञी चंडिका, पूरे ब्रह्मांड पर विजय पाना चाहती हूँ मैं। और मेरे ब्रह्मांड विजय अभियान की शुरुआत होगी क्रोमा ग्रह से। सम्राज्ञी चंडिका की जय। क्रोमा ग्रह के प्रहरी देख रहे थे अपनी ओर बढ़ते इस खतरे को। ओह, ये तो ओनाडा की सेना है, इनके इरादे नेक नहीं लगते। फौरन सम्राट को सूचित करता हूँ। भूचाल सला दिया इस खबर ने क्रोमा के राज दरबार में। क्या कह रहे हो प्रहरी? मैं सच कह रहा हूँ सम्राट, ओनाडा सम्राज्ञी अपनी सेना के साथ क्रोमा पर हमला करने आ रही है। आग बबला हो उठे सम्राट क्रोम, चंडिका का इतना दुस्साहस, हम ओनाडा की ईंट से ईंट बजा देंगे। सेनापति मिरांडा, जाओ मुकाबले की तैयारी करो। जो आज्ञा सम्राट। सम्राट क्रोम भी अपनी सेना के साथ निकल पड़े। सम्राट क्रोम की जय। शीघ्र ही दोनों सेनाएं आमने सामने थी। आक्रमण, जीत हमारी होगी। ओनाडा सम्राज्ञी जिंदाबाद। क्रोमा के वीरों, दुश्मन का एक भी सैनिक जिंदा बचकर ना जाने पाए। सम्राट क्रोम अमर रहे। भयानक जंग छिड़ गई, लाशों के ढेर लगने लगे। कुछ ही देर में क्रोमा की सेना ओनाडा की सेना पर भारी पड़ने लगी। चंडिका भी क्रोम सैनिकों से घिर चुकी थी। ओह, और इस खूनी जंग का जो परिणाम निकला, उसकी कल्पना कम से कम चंडिका ने तो नहीं की थी। तुम हार चुकी हो ओनाडा सम्राज्ञी, चाहे तो तुम्हारा राज्य छीनकर तुम्हें बंदी बना सकते हैं हम, लेकिन तुम्हारी सजा यही है कि तुम अपमान की आग में जलती हुई वापस अपने गृह लौट जाओ। अपमान की आग में झुलसती चंडिका वापस ओनाडा ग्रह लौट पड़ी। ये जीत तुझे बहुत महंगी पड़ेगी सम्राट क्रोम, अपने अपमान का बदला मैं तेरे पूरे ग्रह को तबाह करके लूंगी। लेकिन इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी कुछ जाबाज, शूरवीर और अपने अपने फन में माहिर लोगों की, जो मेरे आदेश पर क्रोमा को तबाह कर सके। इस मशीन की सहायता से मैं ये पता लगाऊंगी कि ब्रह्मांड में कौन कौन सी ऐसी हस्तियां हैं जो क्रोमा को तबाह करने में मेरे काम आ सके। स्क्रीन पर उभरे तीन चेहरे। ये साजल ग्रह का सबसे महाबली प्राणी है, भयानक से भयानक जीवों को भी मार सकता है। नाम गोरील। ये नूज ग्रह का सबसे खतरनाक योद्धा है, किसी भी व्यक्ति के शरीर से खून ऐसे खींचता है जैसे चुंबक लोहे को। नाम रोस्टा। और ये है पृथ्वी का अद्भुत प्राणी, शक्ति का भंडार, वैज्ञानिक एवं मायावी शक्तियों से लैस। नाम टोटान। वंडरफुल, इन तीनों को मैं ओनाडा ग्रह लाऊंगी और तीनों के मस्तिष्क में एक एक छोटा सा ब्रेन कंट्रोलर प्लांट कर फिट करूंगी, ताकि तीनों मेरे गुलाम बन जाएं। चंडिका का पहला निशाना बना साजल ग्रह का गोरील। यही है साजल ग्रह की वो इमारत जहां मिलेगा मुझे गोरील। गोरील को उड़ाने के लिए फैलाना होगा मुझे अपना तूफानी जाल। तूफान आ चुका था साजल ग्रह पर। उफ, ये तूफान कैसा लगता है। साजल ग्रह का वेदर कंट्रोल यंत्र खराब हो गया है। तुम्हारे यंत्रों को कुछ नहीं हुआ है मूर्खो, ये सब मेरे तूफान मेकर यंत्र का कमाल है। कौन हो तुम? तूफान की देवी, तुम्हें मारकर मैं गोरिल को ले जाऊंगी। सैनिकों का खात्मा कर चंडिका जा पहुंची गोरिल के सामने। कौन हो तुम? चंडिका, लोग मुझे तूफान की देवी भी कहते हैं। मैं तुम्हें लेने आई हूं गोरिल। हो गया बेहोश, अब इसे ले चलती हूँ ओनाडा। गोरिल को ले उड़ी चंडिका। इसके बाद नंबर है रोस्टा का। गोरिल को ओनाडा में कैद करके चंडिका जा पहुंचे नूज ग्रह। यही मिलेगा मुझे रोस्टा। इधर रोस्टा। मोडिस, मेरा खाना अब तक क्यों नहीं लगा? क्षमा कीजिए गुरंग, कुछ क्षणों का विलंब हो गया, अभी लग जाता है। बेवकूफ, रोस्टा को देरी शब्द से नफरत है, समझा? रहम मालिक, रहम।
अगले ही पल मोडिस का सारा खून नुचोड़ दिया रोस्टा ने। तभी रोस्टा चौका, उफ ये प्रकाश पुंज कैसा। तुरंत प्रकट हुई चंडिका, चंडिका नाम है मेरा, लोग मुझे तूफान की देवी भी कहते हैं। क्यों आई हो यहाँ? तुम्हें अपने साथ ले जाने, मेरी मर्जी के बिना मुझे ले जाना आसान नहीं है चंडिका। फिर इससे पहले कि रोस्टा के हाथों से खून खींचने वाली नलिया प्रकट होती, चंडिका ने कर दिया वार। मैं मोडिस नहीं हूँ मूर्ख, जो तुम मेरा खून खींच लेगा। यहाँ तो बिना तूफान लाए ही काम हो गया, अब इसे भी पहुँचाती हूँ ओनाडा। कुछ देर बाद ओनाडा ग्रह पर, अब बचा है टोटान, उसके लिए मुझे लाना होगा पृथ्वी पर तूफान। बटन दबते ही प्रकट हुआ एक स्पेसियान सर। कुछ क्षणों बाद टोटान के काबू में आते ही सम्राट क्रोम से अपने अपमान का बदला लूंगी। सावधान पृथ्वीवासियों, आ रही है तूफान की देवी पृथ्वी पर अपना तूफानी जाल फैलाने के लिए। अनजान नहीं था ये शख्स पृथ्वी की ओर बढ़ते इस खतरे से। उफ ये क्या बला है, चीख पड़ा प्रोफेसर रामाकांत। टूटान, कोई स्पेसियान पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, किस ग्रह का हो सकता है ये स्पेसियान? इधर अंतरिक्ष में अब शुरू होगा मेरा तूफानी जाल। चंडिका की तूफान मेकर मशीन से निकले तूफान ने भारत की राजधानी दिल्ली में हाहाकार मचा दिया। टोटान, ये तूफान उस स्पेस यान से आई इस औरत का चलाया हुआ है, तुम फौरन अंतरिक्ष में पहुंचकर उसे रोको। बढ़ चला टोटान अंतरिक्ष की ओर। टोटान के रहते कोई शख्स मानवता से खिलवाड़ नहीं कर सकता, शीघ्र ही अंतरिक्ष में। आओ टोटान आओ, मुझे तुम्हारा इंतजार था, मेरे जाल में फंसकर आखिर आ ही गए ना तुम। क्या मतलब, कौन हो तुम? ओनाडा की सम्राज्ञी चंडिका हूँ मैं, तुझे लेने आई हूँ मैं टोटान। टोटान को बंदी बनाना बच्चों का खेल नहीं है चंडिका, शक्ति का दूत है टोटान। खचाक, चंडिका के हाथ से निकली इस बार की लपटे चंडिका के हाथ से निकली इस बार आग की लपटे भड़ाम, लेकिन टोटान के हाथों से निकली किरणों ने लपेटों को नष्ट कर दिया। बिफर उठी चंडिका ये देखकर, ले बच मेरे स्पेस यान की टक्कर से। चंडिका या चंडिका द्वारा छोड़ी गई किरणों के प्रभाव से स्पेस यान तेजी से टोटान की ओर बढ़ चला। स्पेस यान तेजी से टोटान के पास पहुंचता जा रहा था, पास और पास, लेकिन इससे पहले कि मौत टोटान को अपने आगोश में ले लेती, उसकी आंखों से निकले किरणों ने चंडिका के स्पेस यान के परखच्चे उड़ा दिए। भड़ा, बहुत बार कर लिए चंडिका, अब और बार नहीं कर सकती तू। ओ रामाकांत का मैसेज, लगता है वो कुछ कहना चाहता है। अपने स्पेशल हेलमेट की मदद से टोटान एवं प्रोफेसर रामाकांत के बीच कुछ बातचीत हुई जिसे चंडिका ना सुन सकी। इसी पल का भरपूर फायदा उठाया चंडिका ने। ओ मैग्नेट किरणों के इस जाल से आजाद नहीं हो पाऊंगा मैं। ले उड़ चली टोटान को ओनाडा ग्रह की ओर। बहुत उछल रहा था, आखिर हार ही गया ना चंडिका की ताकत के सामने। अब ओनाडा पहुंचकर इन तीनों के मस्तिष्क में ब्रेन कंट्रोलर प्लांट करने हैं। ओनाडा ग्रह पर गोरिल, रोस्टा और टोटान, तुम ब्रह्मांड के अद्भुत हस्तियां हैं। क्रोमा ग्रह पर विजय पाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, लेकिन मैं जानती हूँ तुम स्वेच्छा से मेरा साथ नहीं दोगे, अतः मैं तुम्हारे मस्तिष्क में ब्रेन कंट्रोलर प्लांट करके तुम्हें अपना गुलाम बनाने जा रही हूँ। ठहरो चंडिका, मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। क्रोमा ग्रह के अभियान में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा, तुम्हारी शक्ति से वाकिफ हो चुका हूँ मैं चंडिका। शाबाश टोटान, बहुत समझदार हो तुम, मुझे तुम्हारी दोस्ती कबूल है, किंतु गोरिल एम्ब्रोस्टा बिफर पड़े, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे चंडिका। अगले ही पल गोरिल एम्ब्रोस्टा की कुर्सियाँ चकर घिन्नी की भांति अपनी जगह घूमने लगी। फिर चंडिका दोनों को लेकर एक प्रयोगशाला में प्रविष्ट हुई। तब आएगी इन्हें अक्ल, जब इनका दिमाग मेरे इशारों पर काम करेगा। कुछ देर बाद मैंने इनके मस्तिष्क में ब्रेन कंट्रोलर प्लांट कर दिया है, अब ये किसी पालतू जिंगो की तरह कहना मानेंगे।
जल्द ही चंडिका के गुलाम बन चुके थे दोनों गोरिल एम्ब्रोस्टा, अब तुम मेरे गुलाम हो। हाँ स्वामिनी, ठहाका लगा उठी चंडिका अपनी इस सफलता पर। मेरा उद्देश्य पूरा हुआ सम्राट क्रोम, अब तुमसे अपने अपमान का भरपूर बदला लेगी तूफान की देवी। तीनों ध्यान से देखो, ये है क्रोमा ग्रह, तुम्हें वहाँ जाकर इतना उत्पात मचाना है कि क्रोमा ग्रह के लोग परेशान हो जाएं, पीछे से मैं उन पर आक्रमण कर दूंगी। हमें कब जाना होगा स्वामिनी? आज, बल्कि अभी इसी वक्त, और उड़ चलें तीनों क्रोमा ग्रह की ओर। चौंक पड़े क्रोमा ग्रह के प्रहरी, कौन है ये तीनों? इनके इरादे नेक नहीं लगते, गामा किरणों का प्रहार करो इन पर। क्रोमा ग्रह के सुरक्षा केंद्र की गगनचुंबी इमारतों पर लगी इस अजीब सी मशीन से निकली गामा किरणें, मुझे इन गामा किरणों का लेजर किरणों का प्रहार करना होगा। दोनों किरणें टकराई और भड़ाम, एक तीव्र धमाके से वातावरण थर्रा उठा। तभी प्रकट हुआ मौत का दूसरा रूप। उफ, ये कैसा जंतु है? चिंता मत करो, ये मेरा शिकार है। गोरिल को ऐसे जानवरों से लड़ने में बहुत मजा आता है। गोरिल, जिसका प्रिय शौक था भयानक जीवों से लड़ना, उस जीव की तरफ बढ़ चला। गोरिल आ रहा है तेरी मौत बनकर। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। इस भयंकर युद्ध में जीत गोरिल की हुई। तेरे टुकड़े टुकड़े करके क्रोमा के राजमहल में फेंकूंगा मैं। गजब, वेल डन। और फिर उस भयानक जीव के टुकड़े हवा में उछलते चले गए। अब ये सीधे राजमहल में जाकर गिरेंगे। तभी क्रोमा के साथ छेड़खानी करके तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है दुष्टो, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। भयानक संघर्ष छिड़ गया वहाँ। रोस्टा तुम्हारा सारा खून खींच लेगा। भागो, ये लोग तो अद्भुत प्राणी हैं, मुकाबला करो बेवकूफो। गोरिल, रोस्टा तुम इनका मुकाबला करो, मैं सम्राट क्रोम से निपटने जा रहा हूँ, उसे मारना मत टोटान, स्वामिनी को उससे बदला लेना है। टोटान उड़ चला सम्राट क्रोम के राजमहल की ओर। राजमहल के बाहर तुम द्वार बंद करो, मैं सम्राट को सूचित करता हूँ। ओ, उनमें से एक यहाँ तक पहुँच गया। मूर्खो, टोटान को राजमहल में प्रविष्ट होने के लिए किसी द्वार की आवश्यकता नहीं। द्वार बंद होते देख टोटान सपाट दीवार पर चढ़ता चला गया, फिर वो दीवार पर दूसरी ओर उतरता चला गया और जल्द ही सम्राट क्रोम के कक्ष में जा पहुँचा। तुमने यहाँ आकर भारी मूर्खता का परिचय दिया है टोटान, अब तुम बच नहीं सकते। पहले मेरी बात तो सुनो सम्राट क्रोम। उधर गोरिल एम्ब्रोस्टा भारी पड़ रहे थे क्रोमा ग्रह की सेना पर। धड़ाक, लगता है हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। इधर सम्राट क्रोम के कक्ष में, हमने तुम्हारी पूरी बात सुन ली है टोटान, लेकिन हम तुम्हें खुला नहीं छोड़ सकते। सम्राट क्रोम के मुकुट से निकली लाल किरणें। तभी उप सेनापति ने कक्ष में प्रवेश किया। सम्राट, ओनाडा सम्राज्ञी चंडिका अपनी सेना के साथ हमारे ग्रह पर आक्रमण के लिए आ रही है। लगता है चंडिका पिछली हार को पचा नहीं पाई, हमारी बाकी की सेना को आगे बढ़ने का आदेश दो। शीघ्र ही चल पड़ी क्रोमा की सेना। इधर सम्राट क्रोम के कक्ष में बेहोश पड़ा टोटान अचानक उठ खड़ा हुआ। अब वहाँ चलता हूँ जहाँ मुझे बहुत कुछ करना है, और टोटान उड़ चला अज्ञात दिशा में। आखिर टोटान का जादू चल ही गया, अब निपटूंगा उससे। टोटान की हरकतें बड़ी रहस्यमय लग रही थी, आखिर क्यों? प्रहरी टोटान की ओर ताकते रह गए। ओह, ये आजाद कैसे हो गया? उधर क्रोमा एम ओनाडा की सेनाएं आमने सामने थी। चंडिका, इतनी जल्दी पिछली पराजय भूल गई तू? उसी पराजय का बदला लेने आई हूँ। ये तूफान की देवी, मेरे तीन सेवकों ने तेरे ग्रह पर होने वाली तबाही का थोड़ा सा ट्रेलर तो तुझे दिखा ही दिया होगा सम्राट क्रोम। तेरे ग्रह को आग लगा देंगे हम क्रोम। टोटान को तो हमने कैद कर ही लिया है, अब तुम भी जिंदा नहीं बच सकोगे, उसे भी हम छुड़ा लेंगे। आक्रमण, आक्रमण! भयानक संग्राम छिड़ गया। मारो, गोरिल परेशान हो उठा। एक को मारते ही 10 जीव सामने आते हैं, अब क्या करूं मैं? क्रिया, क्रिया! जबकि खतरनाक साबित हो रहा था रोस्टा। क्यों बेटे, जब खून खींचता है तो कैसा लगता है?
किंतु थोड़ी ही देर में बाजी पलटने लगी। क्रोमा ग्रह की सेना चंडिका की सेना पर भारी पड़ने लगी। ओ मार डालो सबको, कोई बचने ना पाए। काश टूटान भी हमारे साथ होता, अब तो तूफान मेकर का ही सहारा लेना पड़ेगा। अब पता चलेगा तुझे चंडिका की तूफानी शक्ति का। उधर टूटान क्रोमा ग्रह से उड़कर ओनाडा ग्रह जा पहुंचा। चंडिका अब मैं तेरा तूफानी जाल काट दूंगा। तभी एक तेज आवाज कड़ की, अग्निमुख से बचकर कहाँ जा रहे हो टूटान, तुम्हें तो इस समय युद्ध क्षेत्र में होना चाहिए था। बेटे अग्निमुख, युद्ध क्षेत्र तो ओनाडा ग्रह बनेगा अब। भड़क उठा अग्निमुख, गद्दार तो ले बच इस प्रचंड ज्वाला से। उफ टोटान बचा अग्निमुख की लपटों से। उफ अगर एक पल की भी देरी हो जाती तो इन लपटों से बचना मुश्किल था। बेटे अग्निमुख, आग से खेलना अच्छी बात नहीं है। मेरा शरीर बर्फ में बदलता जा रहा है। अग्निमुख तेजी से बर्फ के पुतले में बदल रहा था। चीख पड़ा अग्निमुख, टोटान ये तूने क्या कर डाला, देख मेरे शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर रहा है। जल्दी अग्निमुख पूरी तरह टुकड़ों में बदल गया था। अब शुरू होगा ओनाडा ग्रह पर तबाही का खेल। एक कर्णभेदी विस्फोट हुआ और इमारत के पखच्चे उड़ गए। भड़ाम, ओ ओनाडा ग्रह के वासी मेरी ओर ही आ रहे हैं। अरे तुम्हारे चेहरे पर एक निशान, निशान तो तुम्हारे चेहरे पर भी है। उफ हम सभी के चेहरे पर एक निशान छप गया है। बेवकूफो, ये टूटान का ट्रेडमार्क है, अर्थात एक निशान। ये हर उस व्यक्ति के चेहरे पर छप जाता है जो टूटान से पंगा लेता है। ओनाडा ग्रह पर तबाही, ओनाडा ग्रह पर मच गई भगदड़। भागो, हमारी सम्राज्ञी तो युद्ध क्षेत्र में गई है, अब हम क्या करें। अब केवल गज सिम्हा ही हमारी रक्षा कर सकता है। आओ गज सिम्हा के पास चलते हैं। गज सिम्हा कौन है ये? ओनाडा ग्रहवासी जा पहुंचे ओनाडा के अजीब से प्राणी गज सिम्हा के पास। सम्राज्ञी युद्ध क्षेत्र में गई हुई हैं और टूटान यहाँ कहर बरसा रहा है। हमारी रक्षा करो गज सिम्हा। उसकी इतनी हिम्मत कि ओनाडा पर तबाही मचाए। चलो मैं देखता हूँ। कुछ ही पलों में टूटान अब तो ओनाडा से बाहर जाकर गिरेगा। टूटान ने हवा में ही अपने आप को संभाला और एक ऊंची मीनार की तरफ उड़ चला। गज सिम्हा तो अभी मेरी शक्तियों से वाकिफ नहीं है। फिर एक मीनार पर जाकर टिका वो, और टूटान को मारना तेरे बस का नहीं है। ठक, गज सिम्हा की सूंड लंबी होती चली गई। सर अभी तेरे घमंड को चूर करता हूं मैं। टूटान की आंखों से निकली लेजर किरने, ये घमंड की नहीं सच्चाई की ताकत है मूर्ख गज सिम्हा। खचाक, टुकड़े टुकड़े कर डाले उसने गज सिम्हा की सूंड के। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी आश्चर्यजनक ढंग से उछला गज सिम्हा। टूटान अब तू नहीं बच पाएगा, बहुत उदंड मचा रहा है तू, अब तुझे दंड देना ही पड़ेगा। और चीख उठा गज सिम्हा। खचाक, गज सिम्हा तो गया काम से। पता नहीं क्रोमा ग्रह पर क्या हो रहा होगा। यहाँ पर चंडिका की वैज्ञानिक शक्तियों के सब साधन खत्म कर दिए मैंने, अब चलता हूँ क्रोमा ग्रह। उधर क्रोमा ग्रह पर एक तेज तूफान जारी था। अपने ग्रह पर मस्ती तबाही को देख ना पाए सम्राट क्रोम और गिड़गिड़ा उठे। चंडिका, रोक लो इस तूफान को, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। तुझे गिड़गिड़ाते देख मेरे सीने में सुलग रही प्रतिशोध की आग आज ठंडी पड़ी है क्रोम। चंडिका ने अपने तूफान मेकर का बटन ऑफ किया। आज से क्रोमा ग्रह हमारा है। फिर उसने अपनी सेना को आदेश दिया, तुम वापस ओनाडा ग्रह लौट जाओ और हमारे विजयी होने की खुशियां मनाओ। हम टूटान को छुड़ाकर ओनाडा ग्रह पहुंचेंगे। गोरिल एम्ब्रोस्टा भी हमारे साथ रहेंगे। ओनाडा सम्राज्ञी जिंदाबाद। ओनाडा ग्रह की सेना वापस ओनाडा रवाना हो गई। चंडिका गोरिल एम्ब्रोस्टा के साथ पहुंची सम्राट क्रोम के राजमहल में। आज से क्रोमा ग्रह पर हमारा शासन रहेगा। पता नहीं टूटान अपनी योजना में सफल हुआ है या नहीं। राजमहल के अंदर सम्राट क्रोम कहाँ है टूटान? तभी हरी किरणों का एक जाल आ गिरा तीनों पर। उफ ओह ये क्या है।
ये भी टोटान की जादुई जाल का एक हिस्सा है चंडिका। वेल डन टोटान। टोटान ये सब क्या है? गद्दार, तुमने तो हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। हाँ लेकिन वो सब नाटक, हाँ लेकिन वो सब नाटक था। अगर मैं उस वक्त तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ ना बढ़ाता तो तुम जबरन मेरे मस्तिष्क में ब्रेन कंट्रोलर फिट कर देती और मुझे तुम्हारा गुलाम बनना पड़ता, और मैं जानबूझकर ही तुम्हारे मैग्नेट जाल में बंद कर ओनाडा ग्रह पहुंचा था ताकि तुम्हारा मकसद जान सकूं। फिर मैं गोरिल एमरोस्टा को क्रोमा की सेना के साथ युद्ध में उलझा कर सम्राट क्रोम से मिला और उन्हें सारी योजना समझाई। फिर योजना अनुसार जानबूझकर सम्राट क्रोम ने मुझ पर किरणों का प्रहार किया और मैं बेहोशी का नाटक करने लगा। सम्राट क्रोम तुमसे युद्ध करने चले आए और मैं पीछे से जा पहुंचा ओनाडा ग्रह। नहीं, सम्राट क्रोम का पता था, सम्राट क्रोम को पता था कि उन्हें जानबूझकर युद्ध में पराजित होना है ताकि तुम अपनी सेना को वापस ओनाडा ग्रह भेज दो और वो रास्ते में ही उस पर हमला करवा कर उसे नष्ट कर सके। बल्कि अब तक तो तुम्हारी सेना नष्ट भी हो चुकी होगी। सारा काम योजना के मुताबिक हुआ और तुम मेरे जाल में फंस गई। तो क्या तुमने ओनाडा को भी तबाह कर दिया? नहीं, केवल वहां रहने वाले शैतानों और तेरी शक्तियों के साधनों को तबाह किया है मैंने। टोटान, अब मैं तेरा खून पीकर ही अपने भीतर जलती प्रतिशोध की आग को बुझाऊंगी। ओ, ये तीनों तो गायब हो गए। ये जरूर ओनाडा ग्रह पहुंचकर दोबारा शक्तियां हासिल करने की कोशिश करेंगे। तुझे तुरंत ओनाडा ग्रह जाना होगा। मुझे तुरंत ओनाडा ग्रह जाना होगा। टोटान, तुमने चंडिका पर विजय पाने में हमारी मदद की, इसके लिए हम तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सम्राट क्रोम, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें, मेरा तो जन्म ही अन्याय का मुकाबला करने के लिए हुआ है। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दीजिए। टोटान उड़ चला ओनाडा ग्रह की ओर। जब भी हमारी आवश्यकता पड़े हमें याद कर देना बेटे। अब मुझे चंडिका की कैद से गोरिल एमरोस्टा को आज़ाद कराना है। तभी तलवारों की एक दीवार सी आ खड़ी हुई टोटान के चारों तरफ। ओह, ये क्या बला है? ओह, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। तभी वहां प्रकट हुई चंडिका। टोटान, तूने चंडिका के अरमानों पर पानी फेर दिया। तेरे ही कारण मुझे जीती हुई बाजी हारनी पड़ी। अब चंडिका तुझे मार कर ही चैन पाएगी, लेकिन तुम हरी किरणों के जाल से आजाद कैसे हो गई? चंडिका ने आज तक किसी की कैद में रहना नहीं सीखा। टोटान, गोरिल रोस्टा, टूट पड़ो इस पर, चबा जाओ इसे कच्चा। गोरिल एमरोस्टा टोटान की तरफ बढ़े। तुझे तेरी गद्दारी की सजा जरूर मिलेगी कमीने, तेरा सारा खून खींच लूंगा मैं। उफ, कैसी अजीब स्थिति है, जिन्हें मैं चंडिका के चंगुल से छुड़ाना चाहता हूँ वही मेरे जान के दुश्मन बने हुए हैं। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ढिसुम, धड़ाक, उफ, मुकाबले में गोरिल कमजोर पड़ गया था। ये देख रोस्टा चीख पड़ा, टोटान। टोटान उछाल भर कर बचा रोस्टा के प्रहार से। एक पल की भी देरी हो जाती तो रोस्टा मेरा सारा खून खींच लेता। और फिर टोटान ने उछाल दिया रोस्टा को तलवारों के घेरे से बाहर। जा बेटे, हवा में सैर कर। तभी टोटान पर हुआ गोरिल का भीष्म वार। धाड़, गोरिल के भीष्म प्रहार ने टोटान के गुस्से को भड़का दिया। गोरिल, अब तू सीधा ओनाडा से बाहर गिरेगा। और फिर उछाल दिया उसे भी। ओ, टोटान से जीत नहीं पाऊंगी मैं, मुझे गोरिल एमरोस्टा को लेकर भाग जाना चाहिए। और फिर चंडिका ने गोरिल एमरोस्टा को पकड़ा और ओह, ये तो फिर गायब हो गई। टोटान, तेरी ही कारण मुझे ओनाडा ग्रह से भागना पड़ रहा है, लेकिन याद रख, तू इस घेरे से बाहर नहीं निकल पाएगा और मारा जाएगा। और फिर धीरे धीरे प्रकाश पुंज गायब हो गया। ओ, चंडिका गोरिल एमरोस्टा को लेकर फरार हो गई। काश इस घेरे में मेरे उड़ने की शक्ति बेकार ना हुई होती तो आज मैं चंडिका को हाथ से ना जाने देता। तभी ओह, तूफान शुरू हो गया। लगता है ये ग्रह नष्ट होने वाला है। अब तो बाबा महंतनाथ ही मुझे इस घेरे से निकालने का उपाय बता सकते हैं। जय बाबा महंतनाथ। अगले पल टोटान को बाबा महंतनाथ की आवाज़ मानो गहन अंतरिक्ष से आती हुई महसूस हुई। वत्स, अपने अग्नि चक्र का प्रयोग करो, तुम आजाद हो जाओगे। धन्यवाद बाबा।
अगले ही पल टोटान के शरीर से निकला अग्निचक्र तलवारों का घेरा काटता चला गया। घेरे से आजाद होते ही टोटान में वापस उड़ने की शक्ति आ गई। कमाल की है बाबा महंतनाथ की दी हुई शक्तियाँ। ओ तूफान तेज हो गया, मुझे जल्दी से जल्दी ओनाडा ग्रह से बाहर निकलना चाहिए। फिर एक भयानक विस्फोट हुआ और ओनाडा ग्रह के पखच्चे उड़ गए। भड़ाम, चंडिका ने अपने प्रतिशोध की आग में जलकर अपने ही ग्रह को तबाह कर दिया। काश मैं गोरिल एम्ब्रोस्टा को चंडिका की कैद से छुड़ा पाता, लेकिन मैं उन्हें एक दिन चंडिका की कैद से अवश्य छुड़ाऊंगा, ये मेरा अपने आप से वादा है। और फिर टोटान उड़ चला पृथ्वी की ओर, जहां एक नई समस्या उसका इंतजार कर रही थी। तो पढ़िए इसकी अगली कॉमिक्स टोटान का कहर, और तब तक के लिए ये कहानी और ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।